मैं आपसे वो चीज पूछ ही नहीं रहा। ऐसा आएगा कोई दिक्कत? ये दिख रहा है? नहीं मम्मा, दिखने दिखने वाली बात नहीं है। अब बताओ, मेरी बात सुनो ना। आप बताओ, टैटू करवा लूं तो? आप बोलोगे क्या करेगा बताओ। जैसे लास्ट ईयर अंकल विस्ती में आए थे, उससे पहले बियर में आए थे, तो इससे आप बताओ कॉमेंट्स। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई क्या हाल चाल है? एक तो मेरा अभी जो नया AC है ना वो आ चुका है, और घर के यार AC खराब होते रहते हैं। मेरे को जो स्टूडियो वाला AC है ना वो खराब हो गया है, और अभी देखो भाई यहाँ पे आ गया है नया सोफा, और साथ में जो गद्दे पूरे उतरे पड़े हैं बिकॉज मम्मा का रूम का ना अभी नया आ रहा है बेड। तो देखो मम्मा यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है। मम्मा नया वाला बेड पूरा आपने करवाया कस्टमाइज? चलो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। दिखाता हूँ मैं कौन सा नया वाला बेड है, और मेरा जो AC है ना बस वो ठीक हो जाए यार, जो ये स्टूडियो वाला, बिकॉज रूम का तो AC नया ही आ गया है। बस ये आज लग जाए, बिकॉज पापा कह रहे हैं कि शायद आज नहीं लग पाएगा, ये कल लगेगा। बिकॉज जो अभी AC वाले हैं ना वो आए तो हुए हैं, आई विल शो यू। तो उन्होंने ये वाला तो उतार दिया मेरा पूरा AC जो अभी लगा हुआ था करंट वाला, तो ये तो आराम से लग जाएगा सीधा आते ही। इस चक्कर में सो इस वाले रूम के अंदर रहूँ, बिकॉज वहाँ पे तो AC है नहीं, तो मेरे को गर्मी लगती है, इसलिए मैं यहाँ मैट्रेस पे जाके सो रहा हूँ, बिकॉज ये वाला मैट्रेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुछ तो भाई टेम्परेचर भी ऐसा है कि रहते हैं तो गर्मी लग रही है सबको। उसके बाद में भाई जो AC है ना अगर वो ख़राब हो जाए इतनी गर्मी के अंदर तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब भाई दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इट्स अराउंड 46 राइट नाउ। हाँ देखो ओ ऐसे कर, ये पूरा वेलवेट है। अच्छा इधर आ जाए, खुल तो रहा नहीं। आज अंकल 20 दिन हो गए जूते बदलने में लगे हुए हैं तब से। हाँ। कभी वो आ रहे हैं कभी ये जा रहे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है तब से? आज फाइनल हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि जूते बस बदल ही जा रहे हैं। इसमें क्या है? बर्फ? क्या है ये? मॉकटेल? बियर पियो, बियर सब ठीक हो जाएगा। तो अभी ये जो बेड मम्मा का आ चुका है पूरा यहाँ पे रेडी, और वहाँ पे देखना वो बैठ गया कोने में जा करके। सबसे पहले मम्मा जाके उसको बिठाया नॉडी को। हाँ मैम, आपको सही लग रहा है ये? बड़ा छोटा नहीं है उस वाले बेड से? नहीं, छोटा नहीं है। पहले अपने रूम की मैं पूरी क्लीनिंग करवा रहा हूँ, और फिर मैं भी जाऊँगा गुड़गांव अंकल के साथ में। तो अभी अंकल जब अभी मेरा AC उतरा है ना वो छोड़ने के लिए गए हैं शॉप पे, जहाँ पे वो ठीक होगा फिर वो लग जाएगा कहीं घर में इधर उधर। मम्मा अभी यहाँ पे चाय पी रही है, अब कोई ट्रिप बना लो बाहर का। क्यों अब तो वो भी ठीक हो गए मम्मा, उनको ले चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं सिडनी। जो मम्मा का बेड था ना पुराने वाला वो नीचे अभी आ गया है, तो उन्होंने पूरा इसको रखवाया पहले नीचे, फिर ये देखो ये पूरा पीछे का उसका, और ये नीचे बेड आ गया अभी चला जाएगा। मेरा एक्चुअली बहुत दिनों से मन ये है कि अपने पैर पे टैटू कर रहा हूँ लो लाइफ का, तो भी जरा मैं जा रहा हूँ शॉप पे पता करने के लिए कि भैया क्या इसका रहेगा प्रोसीजर है नॉल, तो वहाँ जाके पता करते हैं, और अगर हो गया टैटू तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, करवा ही लूँगा आज। जो अंकल जी है ना हमेशा वो इनको बोलते हैं कि अगर आपके पास डॉग होता ना तो भैया मैं बहुत डर लगता है मेरे को उससे, लेकिन अंकल एक बात है कि अगर डॉग होता तो उसको आप ही घुमाते सब लोगों ने गाड़ी पे लिख लिया ये। अब ये मेरे पैर पे, मतलब शॉर्ट्स पहनता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे जब करवाऊंगा तो दिखेगा ही, मेरे को यही करवाना है मेरे पैर पे। तो भैया को सब कुछ बोलता रहता हूँ, कब से बोल रहा हूँ भाई कर दो कर दो, वो कह रहे हैं कि देख लो। तो अभी ये अभी क्या कर रहे हो अभी? अच्छा तो अभी इन्होंने यहाँ पे करी है स्टेंसिल लो लाइफ की, तो ये सही लग रहा है वैसे तो। बताओ तो ये छुप भी जाएगा तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये। तो मैंने ये तो करवा लिया अभी स्टेंसिल, अब जाके ना पापा मम्मी को दिखाता हूँ एक बार कि ऐसा कुछ इसका आउटपुट आएगा, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। वैसे तो टैटू वालों ने टोटली मना करा हुआ है, बट मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया कि हाँ सिर्फ एक या दो ही कराऊँगा, और सबको पता कि जब एक बंदा करा लेता है ना तो वो सिलसिला शुरू हो ही जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग है ना पैसिफिक मॉल की, यहाँ पे पहले आई हॉप था, बहुत सारे ब्रांच थे, लेकिन सब बंद हो गया आई हॉप वगैरह। मम्मा ने ना फ्रूट्स मंगवाए थे इसलिए अभी यहाँ पे आम लेने के लिए आए हैं। कैसे दे रहे हो भैया? 100 रुपये। कौन सा है ये? सफ़ेदा। मैं ना एक बार सब्जी मंडी के अंदर खाना खाने आया था, और सुबह के 4 बज रहे थे, और वो मेरा एक्सपीरियंस ना राहुल भाई मेरे को लेकर आए थे अलग ही बात तक का। अंकल जी को बहुत सारा आइडिया है सब्जियों का। मम्मा वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ टैटू कराने के लिए बहुत दिनों से, तो ऐसा आएगा टैटू जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा आएगा कोई दिक्कत? ये दिख रहा है? नहीं मम्मा, दिखने दिखने वाली बात नहीं है। अब बताओ मेरी बात सुनो ना, टैटू बनाएगा? मैं आपसे वो चीज पूछ ही नहीं रहा मम्मा, आपको मैं वो चीज पूछ नहीं रहा। कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, जो चीज है वो है। देखो मम्मा देखो ना कितना सही लग रहा है, देखो आपा एक बार आके देखो। आप बताओ आपा टैटू करवा लूं तो? आप बोलोगे क्या करेगा बताओ? क्या करेगा मम्मा? देख लो ऐसे कर रहे हैं, करा लेता हूँ ना मम्मा। मत करो अंकल जी, हमेशा बेहद मेरे से पैसे मांगते रहते हैं यार, अभी भी पैसे मांग रहे हैं। कितने चाहिए? कितने चाहिए बताओ ना।
अपने आप पैसे मांगते रहते हैं। 500 अंकल आपको वैसे कोई सेलिब्रिटी का नाम लो जिससे आपको मिलने का मन है, कोई ऐसा है सेलिब्रिटी कि आपको एक हो कि मन में कि कभी उनसे मिलना है, मेरे को उनको देखना है? सबका होता है कोई ना कोई। शाहरुख खान से एक बार मिल लेंगे। अच्छा भाई, ये जगह एक नंबर है, गुड़गांव का 29। देखो तो वी आर हियर इन डाउनटाउन, ये पहली ब्रूरी थी भाई दिल्ली NCR की, और मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ का भाई फूड भी अच्छा और ड्रिंक्स भी अच्छी हैं। यहाँ पे आके हमेशा खाता हूँ भाई मशरूम गलौटी कबाब, लेकिन अब तो मैं मटन खा रहा हूँ तो मैं मटन खाऊंगा, और ये भाई मशरूम खा रहे हैं, मशरूम उल्टा बोल गया। आप तो खा लेते हो ना मटन, फिश भी खा लेते हो, चिकन भी खा लेते हो। इनकी तभी मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो कह रहे भंडारा करूँगा मैं दिन में भाई, रात में मैं पन्नी ले आऊँगा, पन्नी में कड़ा के लेके जाऊँगा। आगे भाई मटन गलौटी कबाब सही लग रहे हैं भाई, वो बड़ा मेरे को वही लग रहा, सेम ही लग रहे दोनों। अंकल कौन सी पीना चाहोगे इनमें से, इन सब में से अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको भी सारी पीनी है सारी, या अभी एक पैक पीना किसी का, तो कौन सी पियोगे इनमें से? मैं हर साल ना अंकल जी को नहलाता हूँ, एक स्विमिंग पूल लेके आता हूँ, और हर साल उसके अंदर अंकल नहाते हैं। जैसे लास्ट ईयर अंकल विस्की में नहाए थे, उससे पहले बियर में नहाए थे, तो इस समय आप बताओ कॉमेंट्स में हमारा, वैसे मैंने कि अंकल जी नहाएंगे रेड वाइन के अंदर, हर बार कुछ ना कुछ होना चाहिए चेंज, या तकीला भी ठीक है। बाहर आते हैं ऐसा लगता है इतना कुछ लाइटिंग है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे सामने कैमल भी है, यहाँ पे कैमल राइड होती है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाउंज है। तो देखो वो ढाबा शुभम भाई का है, ढाबा 29, तो भी यहाँ पे शुभम भाई के पास आ गए हैं खाना खाने के लिए, और उसके बाद अंकल कह रहे हैं आज उनको भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, एक रोटी खा लो, एक रोटी ना की चटनी है फेमस, ये मीठी चटनी है, तो ये ट्राई करो एक बार। अरे खाओ ना यार अंकल जी, बेस्ट है, मटन आ गया बढ़िया। अंकल खाते डाल दो आप अंकल को, अंकल जी थोड़ा भैया सेट है, मटन है, कड़ी है, रायता है, साथ में बटर नान, ये अरबी खा रहे हैं। मैं तो भाई अरबी मैंने आज पहले पहली बार खाई है, मेरे भाई ने वो टेस्ट करवाई, लेकिन भाई मैं ऐसा हूँ कि मटन कड़ी फेवरेट है। अंकल बड़े गलत जवाब देते हैं, वो बोलते हैं ऐसे कि 100 बातें सुनेंगे, क्योंकि एक बार बोलते हैं, जब एक बार बोलते हैं ना खतरनाक ही जवाब होता है। ये जो अंकल का फेस है ना, आज तक कैमरा भी डिस्कवर नहीं हो पाया है, तो मुझे कभी दिखाना है आपका जो रियल फेस है। आप देख मेरी तरफ रहे हो लेकिन आपकी नज़र पीछे भी है। तो बस यार खाना खा लिया, खाना वॉज वेरी गुड, मैंने भी खाया मटन साथ में रायता और कड़ी, हाँ कड़ी और रायता का होता नहीं कॉम्बिनेशन, बट ठीक है चलो अपने खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को, गाइस यहीं पे।